हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को बताया कि झारखंड में ये जो भाषा विवाद और डोमिसाइल का बवाल चल रहा है उस पर दो सकारात्मक सुझाव देना चाहते हैं। पहला सुझाव था कि झारखंड और झारखंडी की पहचान जो है, 5 आदिवासी भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा हैं, इन 9 भाषाओं को ही समृद्ध किया जाए, इनको पठन पाठन में यूज किया जाए, सरकारी काम में और रोजगार में भी, और इन भाषाओं में एक आदिवासी भाषा जो सबसे बड़ी है, संताली भाषा, वो 8वीं अनुसूची में शामिल है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, उसको झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। 1932 के खतियान का मामला सरकार ने चुनाव के पहले भी कहा, अभी भी कहती है, लेकिन धोखा देती है और जनता भी उसको चाहती है, तो हम जनभावना के साथ हैं, लेकिन हम लोगों ने एक वैकल्पिक सुझाव दिया है कि जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90% भाग ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए और प्रखंडों में आबादी के अनुपात से कोटा बना के केवल उसी प्रखंड के लोगों को नौकरी दिया जाए। और तीसरा मुद्दा था सरना धर्म कोड, इसको भी भारत सरकार को अविलंब मान्यता देकर भारत के आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं और जो अधिकांश हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हैं उनको जनगणना में शामिल किया जाए। यही बात थी। तो आपको क्या लगता है कि मांगे पूरी की जाएगी? मांगे पूरी करना संविधान का मामला है और राज्यपाल महोदय संविधान के सर्वे सर्वा हैं और जनता के हाथ में ये चीज़ है, तो जनता को हम लोग जगाएंगे, जोड़ेंगे, समझाएंगे, इस दिशा में काम करेंगे। मेरा नाम सालखन मुर्मू है, हम पूर्व सांसद हैं और आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।